पोहरी कस्बे में तहसीलदार सहित पुलिस बल ने निकाला फ्लैग मार्च। पोहरी कस्बे में बुधवार की शाम राजस्व व पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला, जहां फ्लैग मार्च में तहसीलदार अजय परसेजिया, थाना प्रभारी रविशंकर कौशल सहित पुलिस बल मौजूद थे। फ्लैग मार्च कस्बे के मुख्य चौराहे से निकाला गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए किले के अंदर पहुंचा और वापस थाना परिसर में समापन हुआ, जहां तहसीलदार अजय परसेजिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया। कस्बे में शांति व्यवस्था कायम रखने से उद्देश्य से निकाला गया है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज पुलिस बल के साथ आप भी सम्मिलित हुए हैं, नगर में एक फ्लैग मार्च निकाला है, क्या कुछ उद्देश्य रहा है सर और किस लिए मार्च निकाला गया? आगामी लोकसभा के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस और राज प्रशासन की सख्त कार्रवाई के तहत मार्च निकाला गया है, और इसके पीछे मंशा है कि आम मतदाता शांतिपूर्ण तरीका से भयमुक्त होकर निर्भय होकर मतदान। क्या सर नगर के अलावा भी पोहरी अनुभाग के जो गांव है वहाँ भी मार्च? बिल्कुल, हमने और पीआई साहब ने बात की इस संबंध में, और कुछ जो बड़े गांव हैं जैसे दुलारा है, भटनावर है, जिरी है, इस प्रकार के गांव हैं, बड़े गांव हैं, उनमें जरूर इस प्रकार का मार्च आयोजित किया।